फ्रेंड्स, मंगो का सीज़न शुरू हो गया है और शुरू होते ही हमारे घर में फरमाइश शुरू हो जाती है, मंगो लस्सी एंड मैंगो मिल्क शेक। तो चलिए बनाते हैं आज मैंगो लस्सी। तो ये एक आम लिया है मैंने, पका हुआ, बहुत लाल लाल आम है। ऐसे मैं छिलका इसका उतार दूंगी, इसे छील करके मैं पीसेस में काट लूँगी, क्योंकि मैंगो लस्सी के लिए हमें आम का छिलका उतार के गूदा चाहिए। देखिए, मैं इसका अंदर का पल्प निकाल ले रही हूँ और इसे महीन महीन काट लूँगी। हम इसे रफली काट लेंगे क्योंकि हमें इसे ग्राइंड ही करना है, तो उतना मैटर नहीं रखता काटा हुआ। ये देखिए, मैंने दही लिया है, फ्रेश दही है, और एक कप दही मैंने ले लिया है, और जो मैंगो मैंने पीसेस में काटा था वो भी मैंने डाल दिया इसमें। और मैंगो बहुत मीठा है इसलिए हम इसमें 2 चम्मच करीबन चीनी ले रहे हैं, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा। आप अपने अनुसार ले लीजिए। मैंने आइस क्यूब ले लिया है, 4 से 5 आइस क्यूब ले लिया है। इसके संग आप आइस क्यूब ग्राइंड कर लीजिएगा, नहीं तो बाद में डालने से थोड़ा आइस में से पानी निकलता तो टेस्ट ख़राब हो जाता है। और इसे हम अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। देखिए, ग्राइंड करने के बाद हम एक बार चेक कर लेंगे कोई चंक्स तो ना रह गए हैं, क्योंकि फिर वो मुँह में आते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता है। हमारा मैंगो लस्सी बिल्कुल रेडी है। आप चाहे तो संगे संगे सर्व कर सकते हैं, या फिर आधे घंटे के लिए आप इसे फ्रीज़र में भी डाल सकते हैं। मैंने संगे संगे से सर्व कर दिया है, ऐसे 2 आइस क्यूब डाल दिया, और हमारी मैंगो लस्सी को अब हम इसमें डाल देंगे। देखिए, मैंने डेकोरेट कर दिया आम के पीसेस से, बहुत अच्छा लगता है आम के पीसेस जब मुँह में आते हैं तो। और बस हमारी रेसिपी अब रेडी है। तो फ्रेंड्स, आप कीजिए इंजॉय इस रेसिपी को। यदि रेसिपी पसंद आई हो तो रेसिपी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास जा सके। तो फ्रेंड्स, आज चलती हूँ, फिर आऊँगी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।